हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं नीट 2021 जो बायोलॉजी का सेक्शन है वहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्लास 11th के। यहां पर ये देखेंगे कि कहां से जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में किस लाइन से आ चुका है। इसके अलावा जो हमारे बायोलॉजी के नोट्स है वहाँ से आ चुका है और क्या वो लास्ट 10 ईयर्स के जो टॉपिक हाईलाइटेड है वहाँ से आया है या नहीं आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से केवल वन क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली मस्केडी, यानी ऐसा कौन सा चीज है, यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मस्केडी फैमिली से बिलोंग करता है। फायरफ्लाई, ग्रास ऑफर, कॉकरोच या फिर हाउस फ्लाई। तो ये जहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है हाउस फ्लाई। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर ये मैंशन किया गया है। तो द लिविंग वर्ल्ड का जो है वो आपका आ चुका है टेबल 1.1 एनसीईआरटी के अंदर मैंशन किया गया है। कॉमन नेम्स यहाँ पे आप हाउस फ्लाई देख सकते हो और हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है वो मस्का डोमेस्टिका, जीनस इसका मस्का है, फैमिली है मस्केडी और यही हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर इसका आंसर जो बन रहा था वो हाउस फ्लाई बन रहा था, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। तो अब यहाँ पर ही हम बात कर लेते हैं नोट्स में। देखिए तो जो हमारे बायोलॉजी के नोट्स हैं यहाँ पे लिखा है फ्रॉम टेबल 1.1 क्वेश्चन इन नीट 2011, 12 और 16 और यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी किया था कि हाउस फ्लाई आ चुके हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए मस्केडी से ही वापस आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें काम कर चुकी है। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इस चैप्टर से भी केवल वन क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कौन सी इनमें से एक स्टेटमेंट जो करेक्ट है। यहाँ पे 4 में से केवल 1 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया फ्यूजन ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, सेकंड दिया गया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, थर्ड दिया गया है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, एंड फोर्थ दिया गया सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड शीथ सेल। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फ्यूजन ऑफ द 2 सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। कैरियोगेमी कहाँ पे बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का अगर फ्यूजन होता है उसको बोला जाता है कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब ही होता है क्या, न्यूक्लियस। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर आएगा और ये एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी पेस्ट की गई है। थर्ड देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड, उनको पैरासाइट बोलते हैं। सेप्रोफाइट जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो ये भी जो है वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड कॉल्ड सीथ सेल, जी नहीं वो हेट्रोसिस्ट होते हैं। हेट्रोसिस्ट सेल्स जो होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड होते हैं जिसकी मदद से वो जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को। ये भी जो वो इनकरेक्ट है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर मैंशन किया गया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले यू बैक्टीरिया के अंदर से एक स्टेटमेंट उठाई गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, किसकी बात कराइए, साइनो बैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कराए। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, वो हेट्रोसिस्ट है नॉट ए सीथ सेल। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो यहाँ से उठाई गई थी जो कि इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट अब बाकी जो स्टेटमेंट थी वो थी हमारी कहाँ से, फंजाई से। अब देख लेते हैं फंजाई के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की गई है। सबसे पहले वहाँ पे सेप्रोफाइट के बारे में बहुत की गई थी। देखिए मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेट्रोट्रोपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हैंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, तो जो डेड से लेते हैं उनको सेप्रोफाइट बोलते हैं। दीज द डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिपेंड होते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर दोनों लाइनें जो मेंशन की गई है। उसके बाद में बात की गई थी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी। देखिए प्लाज्मोगेमी प्योर एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी एंड फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो ये लाइन कॉपी पेस्ट थी, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एनसीईआरटी से। अब देखिए ये जो हेट्रोसिस्ट वाली लाइन थी यहाँ पर ये देखिए आपका AIPMT 2012 में आ चुकी है, सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो ये वाली लाइन जो आपकी AIPMT 2012 के अंदर भी आई थी और यहाँ पर अलग से हाईलाइटेड की गई है, बाकी यहाँ पर जो है वो आपको ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो लाइन है वो भी यहाँ पे आ चुकी थी, कौन सी, ये वाली सेप्रोफाइट वाली, मोस्टली एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड सब्सटेंस हैंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। तो ये वाली लाइन भी जो वो दो लाइनें यहाँ पे आ चुकी थी और ये वाली तो नीट 2019 के अंदर ही आई थी, बट जो आपका प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी यहाँ पर मेंशन किया गया था, हाँ इन लाइन से क्वेश्चन नहीं आया था, बट दो लाइनें जो थी वो तो आपकी यहाँ से आ चुकी थी। जो चैप्टर है वो है हमारा प्लांट किंगडम और यहाँ से हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेमा आर प्रेजेंट इन, गेमा किस में मिलेंगे, मोसिस के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर, सम जिम्नोस्पर्म या फिर सम लिवरवर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका मोसिस एंड लिवरवर्ट्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, बट यहाँ पे मेनली पूछा गया कि गेमा कहाँ पर मिलेंगे, तो गेमा आपको मिलेंगे सम लिवरवर्ट्स के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए जो लीवर वर्ड्स से जो आपका पूछा गया था गेमी के बारे में, तो ये लीवर वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी दैट इज सिंगुलर गेमा। गेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड गेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई। तो ये जो गेमा कप है ये कहाँ पे मिलते हैं, लीवर वर्ड्स के अंदर मिलते हैं, ये प्योर एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया है। तो लीवर वर्ड्स के अंदर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था गेमा कप के बारे में, वो आपका नी 2018 में ही आया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो रेड में हाइलाइटेड किया गया था, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमा। गेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप द रिसेप्टेकल कॉल्ड गेमा कप। ये सकते हो ये आपसे नी 2018 में ही आया हुआ क्वेश्चन था, जो वापिस से आ चुका है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 प्लांट किंगडम का, वो दिया गया है जेनरा लाइक सिलेजिनिला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर सच प्लांट आर नोन एज। यानी यहाँ पे सिलेजिनिला और सेल्विनिया जो है वो टू डिफरेंट काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, तो उन प्लांट्स को क्या बोला जाएगा, होमोसोरस, हेट्रोसोरस, होमोस्पोरस या फिर हेट्रोस्पोरस। अब नीट में अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो तो आपका दिमाग कम चलता है, आप हेट्रोसोरस पढ़ते हो, आप ये समझते हो कि हेट्रोसोरस, बट हेट्रोसोरस और स्पोरस यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो हेट्रोस्पोरस बनता है, क्योंकि वो स्पोर्स की बात कर रहा है, नॉट अ हेट्रोसोरस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 38 के अंदर जहाँ पे होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस जो है वो हेडलाइन आपके किए गए हैं बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में जो हाईलाइटेड किए गए, यहाँ पे देख सकते हो जेनरा लाइक सिलेजिनिला एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पे सिलेजिनिला और सेल्विनिया टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनाते हैं, कैसे, मैक्रो लार्ज और माइक्रो स्मॉल पोर्स आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट जो है वो आपको बताया गया कि हेट्रोस्पोरस कहलाते हैं, तो यहाँ से जो आंसर आपका आ जाएगा। हेट्रोस्पोरस वाला भी नी 2018 में आया था, मोस्ट द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड दैट इज होमोस्पोरस, जनरल लाइक सिलेजिनला सेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर मैक्रो लार्ज एंड माइक्रो स्मॉल स्पोर्स आर हेट्रोस्पोरस। तो ये भी यहाँ पे हाइलाइटेड, रेड हाइलाइटेड से क्वेश्चन था। नंबर 3 है प्लांट किंगडम का, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन। तो कैरागिन कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो कैरागिन डबल आर 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 यानी रेड बार बार बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है, रेड एल्गी प्रोड्यूस करती है। आप एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पर 32, यहाँ पर पेज नंबर 32 में यहाँ पर देखिए कैरागिन जो वो आपका हाईलाइटेड ही किया गया है। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है सर्टन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। एग्जाम्पल एल्गिन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है ब्राउन एल्गी से, और कैरागिन जो होती है वो किससे होती है, रेड एल्गी से। यहाँ पर ब्रैकेट में साफ साफ लिखा गया, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको जो हाइड्रोकोलोइड्स जो कैरागिन वाली है ये आपकी आ चुकी थी 2015 और 16 और 18 में। देखिए हाइड्रोकोलोइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस एल्गिन ब्राउन एल्गी और कैरागिन रेड एल्गी वाला यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लांट किंगडम का, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनीटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। तो मैनीटोल जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कौन सी एल्गी में मिलेगा, एक्टोकार्पस में, ग्रेसिलेरिया में, वोल्वोक्स में या फिर यूलोथ्रिक्स के अंदर। अब मैनीटोल और लेमिनेरिया जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल मिलते हैं किसके अंदर, वो मिलते हैं ब्राउन एल्गी के अंदर। अब यहाँ पे ब्राउन, रेड, ग्रीन नहीं दिया गया, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमका आएगा एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो वो किसका एग्जाम्पल है, वो है ब्राउन एल्गी का। वोल्वोक्स और यूलोथ्रिक्स किसके हैं, ग्रीन एल्गी के, और ग्रेसिलेरिया किसका आपका, रेड एल्गी का। आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर मेंशन किया गया है। हम यहाँ पे फियोफाइसी में देख सकते हैं, देखिए फियोफाइसी में यहाँ पे पेज नंबर 33 में फर्स्ट ही लाइन लिखा गया है, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनीटोल। तो लेमिनेरियन और मैनीटोल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म के अंदर फूड स्टोर हो सकता है, किसके अंदर, फियोफाइसी के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल लिखा गया, देखिए द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस, ये एग्जाम्पल है और यही यहाँ से उठाया गया है एग्जाम्पल। अलावा ये वाली लाइन जहाँ पे फूड स्टोर लिखा गया, फूड स्टोरेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन और मैनीटोल, ये आपकी AIPMT 2009 और नीट 2015 में आ चुकी थी, तो ये वाली लाइन ही वापस से आई है। ओके, और यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी लिखा गया, एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, यहाँ पे आपका एक्टोकार्पस जो वो एग्जाम्पल आया था। है वो है एनिमल किंगडम चैप्टर, और इस चैप्टर से भी टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में 5 स्टेटमेंट दी गई है और ये हमें रीड करनी है। फर्स्ट है मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व इन हेलमिंथीज,
Echinoderms are triploblastic and coelomatic animals. Roundworms have organ system level of body organization. Comb plants present in Tino for help in digestion. And fifth, हमारी water vascular system is characteristics of echinoderms. अब यहाँ पे भी लगा है, choose the correct answer from the option given below. तो हमें बताने की कौन सी statement correct हो सकती है. Metagenesis is observed in Cnidaria. निडेरिया फाइलम के अंदर जो मेटाजेनेसिस मिलती है, जहाँ पे एसेक्सुअली और सेक्सुअली जो है वो एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस. वो हमें निडेरिया में मिलती है, नॉट ए हेलमंथीज. ये गलत लिखा गया है, तो ए स्टेटमेंट हमारी कहीं से कहीं तक करेक्ट नहीं है. हमारे दो ऑप्शन यहीं से चले जाते हैं. इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स, बिल्कुल करेक्ट है. राउंड वर्म्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है. कॉम प्लेंट्स प्रेजेंट इन टीनो फॉर हेल्प इन लोकोमोशन, नॉट ए डाइजेशन. ये है इनकरेक्ट लिखा गया है. तो जो डी है वो भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स, बिल्कुल करेक्ट है. वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो पोरीफेरा के अंदर होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इकाइनोडर्म्स में होता है. तो हमारे यहाँ पर बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और ई करेक्ट है. तो बी सी और ई करेक्ट वाले जो वो हमारा ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा. एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा गया है. ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पर एनिमल किंगडम में. यहाँ पे देखिए फाइलम सीलियन ट्रेटा, जिसे ब्रैकेट में निडेरिया भी बोला गया है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो है वो दिखाई देगी. यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखा गया था मेटाजेनेसिस, अभी किसके अंदर है, निडेरिया के अंदर. तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि होता क्या है, व्हाट इज मेटाजेनेसिस. मेटाजेनेसिस होता है, द फॉर्मर इज ए साइलेंट सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडम्सी एक्सेट्रा, वेयर इज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया और जेलीफिश. दोज निडेरियंस, अब यहाँ पे बोला गया कि कौन से निडेरियन, विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस. यहाँ पे होता क्या है, पोलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को एसेक्सुअली, जबकि मेड्यूसा जो है वो प्रोड्यूस करता है पोलिप को सेक्सुअली. और एग्जाम्पल भी दिया गया ओबेलिया. ये जो आपका मेटाजेनेसिस वाला वो हेलमंथीज में नहीं मिलता, निडेरिया के अंदर मिलता है. टीनोफोरा के अंदर कॉम्प्लेट्स के बारे में, द बॉडी बियर एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन नॉट इन डाइजेशन. तो कॉम्प्लेट्स जो होती है वो हेल्प करती है किसमें, लोकोमोशन में. और ये किसका है, किसके अंदर आता है, टीनोफोरा फाइलम के अंदर आता है. नेक्स्ट हम आगे भी स्टेटमेंट देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए फाइलम एस्कल्मंथीज में दी गई है, यहाँ पर इनको राउंड वर्म बोला जाता है. और ये राउंड वर्म जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, राउंड वर्म है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. तो ये लाइन भी यहाँ से जो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट की गई है. इसके अलावा हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन और भी आपकी दी थी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम. देखिए इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्म्स में लिखा हुआ है द मोस्ट डिस्टिंग फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन द लोकोमोशन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रेस्पिरेशन. तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट है इकाइनोडर्मेट्स से उठाई गई है. हमारी लास्ट फिफ्थ स्टेटमेंट थी, वहाँ पे देख सकते हो इकाइनोडर्मेट्स में लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेटिक एनिमल्स. तो ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं इकाइनोडर्मेट, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है. तो यहाँ पे प्योर एनसीईआरटी बेस से ये सभी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं. ओके, यहाँ पर देखिए जो निडेरिया फाइलम से आपका पूछा गया था मेटाजेनेसिस, और ये मेटाजेनेसिस वाला देखिए आपका नीट 2015 में ही आया था. एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, पॉली प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पॉलीसेक्सुअली ओबेलिया. और यहाँ पे आपका नीट 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका था. नेक्स्ट हम बात करें कॉम्प्लेट्स की, तो कॉम्प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करती है. ये नीट 2019 में ही आया था, रेड हाईलाइटेड के अंदर ही आता है. ओके, तो यहाँ पर ये दोनों जो लाइनें हैं ये पहले से आपकी आ चुकी है. उसने थे वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था. एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रिलोप्लास्टिक और सीलोमेट एनिमल्स ये आपके होते हैं, और यहाँ पर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी होता है. ये नोट्स के अंदर मेंशन किया गया था, बट यहाँ से हाईलाइटेड वाले पोर्शन से आपका क्वेश्चन नहीं आया था. क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स. तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास होलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स होती है, जहाँ पे एयर फील्ड होती है. नियोफ्रॉन्स, हेमिडेक्टाइलस, मैक्रोपस या फिर ओंथीरो ऑर्निथोराइनस. तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो न्यूमेटिक होलो बोन्स मिलेगी, तो वो किस में मिलती है, एवीज में मिलती है. और एवीज का एग्जांपल कौन सा, यहाँ पर वो है नियोफ्रॉन. तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट. अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर मेंशन किया गया. यहाँ पर देखिए एवीज क्लास के अंदर मेंशन किया गया होगा. यहाँ पर आप देख सकते हो एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसीफाइड, दैट इज बोनी एंड विद लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, दैट इज न्यूमेटिक बोन्स. तो यहाँ पर जो होलो कैविटीज, जो लॉन्ग बोन्स होती है, उनमें न्यूमेटिक एयर कैविटीज होती है. अब यहाँ पर जो हमें एग्जांपल दिए गए थे, डायरेक्ट यहाँ पर ये बात नहीं की गई थी कि कौन सा आएगा. अब देखिए एग्जांपल दो दो बार बात की गई है. एक तो यहाँ पर आपका डायग्राम भी दिया गया है नियोफ्रॉन का, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है.
इसके अलावा यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए नियोफ्रोन लिखा भी गया है, वल्चर ये किसका है, आपका एवीज का अंदर एग्जांपल आ जाता है। तो यहाँ पर ये प्योर एनसीईआरटी से था। करें एंडोस्केलेटन की जो की न्यूमेटिक बोन था आपका एवीज के अंदर, यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन आया था, इससे पहले वाली लाइन और इससे नीचे वाली लाइन में आया था। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो एंड एयर कैविटीज, इससे ऊपर वाली लाइन से 15 और 18 में आ चुका था, बट यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं आया था पहले, बट इस बार यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, हमें यहाँ पर ये मैच द कॉलम दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा किस में जाएगा। सबसे पहले दिया गया मेटामेरिज्म कैनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्स नीडोब्लास्ट, और यहाँ पे लिखा गया सिलेंट्रेटा टीनोफोरा एनेलिडा एंड पोरीफेरा। सबसे पहले बात करते हैं मेटामेरिज्म की, तो मेटामेरिक यानी सेगमेंट्स, तो वो किस में मिलेंगे हमें, एनेलिडा फाइलम के अंदर मिलेंगे। कैनाल सिस्टम अभी करके आए थे, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो मिलता है आपका पोरीफेरा फाइलम के अंदर। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स अभी अभी हम करके आए थे वो किस में मिलता है, वो आपका मिलता है टीनोफोरा फाइलम के अंदर, और नीडोब्लास्ट जो होता है वो सीलियनट्रेटा जिसको निडेरिया फाइलम भी बोलते हैं उसके अंदर आते हैं। तो ए जो है वो हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा, ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन है। सेकेंड जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, अभी हमारे दो ऑप्शन है। थर्ड जो है वो हमारा सेकेंड के साथ जा रहा है और फोर्थ जो फर्स्ट के साथ जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन बनता है आंसर थर्ड। एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए एनेलिडा फाइलम से सबसे पहले बात करते हैं मेटामेरिज्म की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट और मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनेलिड, दैट इज नेटिन का मतलब होता है एनुअल में लिटल रिंग्स, दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन द लोकोमोशन। तो ये जो मेटामर्स होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, एनेलिडा फाइलम के अंदर मिलते हैं, तो मेटामर्स वाला आंसर हमारे यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम, जो हमने बात की थी कहाँ पर मिलेगा, ये आपका पोरीफेरा फाइलम के अंदर मिलेगा। अब देखिए पोरीफेरा फाइलम के अंदर साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया कि यहाँ पर जो होती है वो कैनाल सिस्टम होती है। देखिए स्पंजेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, तो ये जो कैनाल सिस्टम है वो किसके अंदर मिलेगा, पोरीफेरा फाइलम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हमसे पूछा गया था नीडोब्लास्ट और आपका क्या पूछा गया था कॉम्प्लेक्स, तो नीडोब्लास्ट यहाँ पर आप दिखाई दे सकता है ये आपकी सीलियनट्रेटा दैट इज निडेरिया फाइलम है, और यहाँ पे ये लिखा गया है नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी, और यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया गया, डायग्राम व्यू ऑफ द नीडोब्लास्ट। ओके नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स हमसे पूछा गया, तो ये रहा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स हम पीछे पहले भी कर चुके हैं, ये किस में मिलता है टीनोफोरा के अंदर मिलता है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जहाँ पर जो आपका वाटर कैनाल सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इससे पहले क्वेश्चन नहीं आया, बट ये नोट्स के अंदर लिखा हुआ आपको, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी सभी बेस्ड है आपके नोट्स, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया, बट इससे पहले क्वेश्चन नहीं आया था, उसके बारे में हम बाद में आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारी बात करते हैं नीडोब्लास्ट सेल की, तो यहाँ पे जो नीडोब्लास्ट है यहाँ से भी आपका पहले जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे देखिए AIPMT 2011 में नीडोब्लास्ट और नीटोसाइट, यहाँ से आपका पहले से ही क्वेश्चन आ चुका है। एनसीईआरटी की लाइन जरूर लिखी गई है बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट मेटामर्स, तो ये मेटामर्स वाली लाइन से पहले क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से इस लाइन से पहली बार यहाँ पर क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दिएगा। ओके एनिमल किंगडम का क्वेश्चन नंबर फोर था मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग बताने, फाइसेलिया लाइम्यूल्स एनसाइक्लोस्टोमा पिंक डेटा, तो हमें यहाँ पर जो जो ब्रैकेट के अंदर दिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल वो दोनों पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, और ये आपको यहाँ पे समझ में भी आ गया इस क्वेश्चन को देखकर। सबसे पहले बात करते हैं फाइसेलिया, फाइसेलिया क्या है आपका, फाइसेलिया जो है वो है आपका पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, और ये कहाँ पर आता है, कौन सी फाइलम के अंदर आता है, निडेरिया फाइलम के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइम्यूल्स, लाइम्यूल्स क्या है आपके, किंग क्रैब यानी वो आपके लिविंग फॉसिल के अंदर आते हैं, और ये किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमेट जो है वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके हुकवॉर्म के अंदर। अब ये हुकवॉर्म किस में आता है, वो आपका आता है एस्कल्मंथीज के अंदर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं पिंक डेटा होता है आपका पर्ल ऑयस्टर, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वो हमारा जा रहा है सेकंड के साथ में, फर्स्ट हमारा सेकंड के साथ में दो ऑप्शन है, सेकंड जो है वो हमारा थर्ड के साथ में जा रहा है, अब भी हमारे पास दो ऑप्शन है, सी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ में जा रहा है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन, और डी हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है, तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन थर्ड। एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर मेंशन किया गया है, डेरिया जो आपके सीलियनट्रेटा फाइलम है, यहाँ पे सबसे पहला ही एग्जांपल है फाइसेलिया दैट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, यहाँ पर ये सबसे पहला लिखा गया था फाइसेलिया दैट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर के बारे में। नेक्स्ट हमारी बात की गई थी एनसाइक्लोस्टोमा के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनसाइक्लोस्टोमा क्या है, ये आपका हुक वॉर्म है, और ये किसके अंदर आता है आपका, ये आता है आपका एस्कल्मंथीज के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी बात की गई थी आर्थ्रोपोडा के अंदर से, और वो किसके बारे में बात की गई थी, लाइम्यूल्स दैट इज किंग क्रैब, और ये क्या आपका लिविंग फॉसिल है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो आपका लास्ट था वो क्या था आपका पिंक डाटा था, लास्ट वाला आपका क्या था
पिंग डाटा दैट इज कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा गया है पिंग डाटा दैट इज पर्ल ऑयस्टर पेज नंबर 54 के अंदर। तो यहाँ से हमारे जो सभी आंसर आ जाते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल सबसे पहले हम देख लेते हैं मोलुस्का फाइलम से। तो मोलुस्का में आपका जो है आपका पीला एप्पल स्नेल पहले आ चुका है, इससे आगे वाला पिंक डेटा पर लॉस्टर इसी बार आया। यहाँ पर ये जो एग्जांपल था वो आपका दो बार एग्जांपल आ चुका था। नेक्स्ट हम बात करें लाइम्यूल्स दैट इज किंग क्रेप। तो यहाँ पर ये जो वाला एग्जाम्पल है ये काफ़ी बार पहले भी आ चुका है, आपका नीट 2013 में आ चुका है। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका एक आया था कौन सा हुकवॉर्म आया था यहाँ पर, इससे पहले बार एस्केरिस राउंड वॉर्म आ चुका है, बट एनसाइक्लोस्टोमेटा दैट इज हुकवॉर्म जो वो पहली बार यहाँ पे आपका एग्जांपल दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एक और एग्जांपल था जो कि था आपका फाइसेल या दैट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। यहाँ से आपके दो एग्जाम्पल पहले आ चुके थे नीट 2013 और नीट 2014 में, बट यहाँ पे फाइसेल या पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर जो वो पहली बार आया है। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।